हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो सब खैरियत से होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई लोग, आज हम बात करेंगे डंकी के ट्रेलर के रिव्यू के बारे में। तो डंकी के जो ट्रेलर का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि उन्होंने डंकी के ट्रेलर को नाम भी डंकी ड्रॉप 4 दिया है, फिर भी ट्रेलर ने, मैं कहता हूँ, धमाल मचा दिया है, बोचाल ला दिया एकदम यूट्यूब के ऊपर। तो ऐसे लोग जो एंटी थे शाहरुख खान के, वो भी अब इसके दोस्त बनना चाह रहे हैं और वो भी बहुत खुश हैं कि यार इतना अच्छा ट्रेलर, एक सिनेमैटिक जर्नी जो कि फैमिली के साथ लेके जा के देखी जा सकती है। क्योंकि आजकल का सिनेमा ये बन चुका है, उसमें सेक्स हो, उसमें बस एक्शन ही एक्शन हो, सेक्स हो, एक्शन हो, रोमांस हो, बस हमें ये चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन राजकुमार हिरानी अपनी क्लास लेके आ रहे हैं जो पूरी फैमिली बैठ के दे सकती है। तो बहुत से लोगों का रिएक्शन आया है और केआरके का भी रिएक्शन आया है। उसने अपनी वीडियो डाली है और पहली बार उस बंदे ने किसी फिल्म की जमकर तारीफ़ की और बोला है कि यार बहुत अच्छा। हालांकि ये उम्मीद नहीं थी उससे कि वो इस तरह का रिव्यू करेगा, लेकिन उसने बहुत अच्छा रिव्यू किया। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बंदे ने पेड रिव्यू किया। लेकिन ऐसी बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि शाहरुख खान इंडस्ट्री में एक वाहिद बंदा है जो इस तरह के पैसे किसी को भी नहीं देता। वो किसी को भी नहीं कहेगा मेरी फिल्म का प्रमोशन कर दो, वो किसी को पैसा नहीं देगा मेरी फिल्म का प्रमोशन ना करो, मेरी फिल्म का रिव्यू ना करो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो केआरके साहब जो है, उन्होंने शाहरुख खान के ट्रेलर को ज़बरदस्त तरीफों से पुल बांध दिया। बोला है कि ये राजकुमार हिरानी की सबसे अच्छी फिल्म हो सकती है और शाहरुख खान ने ज़बरदस्त एक्टिंग की है इसमें, नो डाउट वो क्लास के स्टार है। एक्शन तो पठान और जवान उन्होंने अपने फैंस के लिए किए ना कि भाई लोग ये देख लो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद ही नहीं करता ये चीज़ें क्योंकि ये रियलिटी बेस होती नहीं, मुझे वो काम करना जो रियलिटी बेस हो। तो शाहरुख खान ने और राजकुमार हिरानी डंकी को एक मास्टरपीस बना दिया यार। ट्रेलर देख के मैं तो खो गया था ट्रेलर के अंदर कि भाई चल क्या रहा है। इसी तरह से केआरके साहब भी जो है वो भी डंकी का ट्रेलर देखते हुए बस भाई ये कब ख़त्म हो गया पता भी नहीं चला। और जो उसके अंदर सिनेमाटोग्राफी है, एक डार्क फिल्म है, इमोशनल फिल्म है, कॉमेडी है, ड्रामा है और शाहरुख खान की आवाज़ तो मैं कहता हूँ कमाल है। लोग कह रहे हैं कि ये नेगेटिव चीज़ है आवाज़, लेकिन जब आवाज़ उसकी रियल में हमें सुनाई देगी ना, जब हम मूवी पूरी देखेंगे तब हमें मज़ा आने वाला। और ये ट्रेलर था भाई लोग, ये अभी कुछ भी नहीं है, अभी मूवी आने वाली है। राजकुमार हिरानी की मूवी के ट्रेलर ही ऐसे होते हैं कि आम बंदे को समझ नहीं आती कि चल क्या रहा है भाई। जब मूवी आती है तो ऐसे माइंड करता है कि यार ये चीज़ थी, अच्छा ये चीज़ थी। तो शाहरुख खान की ओल्ड लुक का मैं फ़ैन हो चुका हूँ, ओल्ड लुक का फ़ैन। उसके बाद शाहरुख खान का जो पूरा ट्रेलर में और वो हिंदी वाला डायलॉग, तो भाई हर बंदा तारीफ़ कर रहा है। केआरके ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की इस ट्रेलर की। और कुछ हेटर्स हैं या सलार के जो फैंस हैं वो सिर्फ नेगेटिविटी कर रहे हैं, बाकी कोई बंदा इसकी नेगेटिविटी नहीं कर रहा। डंकी छा गई है और डंकी ब्लॉक बस्टर है, लिखवा लो भाई जहाँ पर मर्जी लिखवाना है। ज़रा सा कंटेंट अच्छा निकल गया तो फिर इसको 600 करोड़, 500 करोड़ करने से कोई नहीं रोक सकता। ब्लॉक बस्टर होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता, 120 करोड़ सारा बजट है मूवी का, तो वो तो उसने 2-3 दिन में ही कर जाना है, तो बाकी पीछे रह क्या जाता। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि डेली के डेली अपडेट्स मैं आप लोग शेयर करता रहूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़।